हम कंप्यूटर का डाटा या पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद हम उसका डाटा कैसे रिकवर करते हैं? जैसे हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है तो उसको हम कैसे रिकवर कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप, अभी मैं आपके सामने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करूँगा। ये मेरी पेन ड्राइव है, मैंने इसको ये मैंने पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार दिया। फॉर्मेट, इसमें मेरा इंपॉर्टेंट डाटा था, तो किसी गलती या किसी जल्दबाजी के कारण ये डाटा या लॉस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो इसको कैसे रिकवर करते हैं? ये फॉर्मेट हो गया, तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने गूगल पर जाना है और फिर गूगल में हमने डालना है टेस्ट डिस्क रिकवरी, और फिर हमने चूज़ करना है टेस्ट डिस्क रिकवरी पार्टीशन रिकवरी एंड फाइल अनडिलीट। इसको हमने टिक करना है। फिर ये इधर साइड में दिखाता है टेस्ट डिस्क डेटा रिकवरी, और ये इसका 7.0 वर्जन है, इस पर हमने टिक करना है। और फिर क्या करना है, टिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, माई डॉक्यूमेंट में जाना है और डाउनलोड में जाना है। तो ये मैंने अभी डाउनलोड किया है। जैसे ये डाउनलोड हुआ है तो इसको मैंने क्या करना है, इसको ओपन करना है और इसमें फोटो REC_bin इसको मैंने ओपन करना है। अब ये कह रहा है एप्लीकेशन में भी डिपेंड ऑफ द कम्प्रेक्स की फाइल एंड फोल्डर फॉर द एप्लीकेशन रन प्रॉपरली इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं अभी पेन ड्राइव के अंदर ही करूँगा इसको, क्योंकि मेरा पेन ड्राइव का ही डाटा डिलीट हुआ है। तो मैंने इसको पेन ड्राइव के अंदर ही कर दिया, पेन ड्राइव के अंदर मेरा स्पेस है। ओके कर दिया और एक्सट्रैक्ट। अब ये जो सॉफ्टवेयर है पेन ड्राइव से ही, पेन ड्राइव के अंदर ही डाटा रिकवर या डाटा उसके अंदर डाल देगा। तो जिस डाटा जिसका ड्राइव का डाटा होता है हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास अदर ऑप्शन है। अगर हमारे पास कोई और ड्राइव है या उसका स्पेस है तो हम उसके अंदर उसको लोकेशन दे सकते हैं, ये लोकेशन देने का है। अब मैंने इसको यहाँ डाल दिया, अब इसको मैं ओपन करूँगा और फिर क्या करूँगा, मैं इसी सेम फाइल को ओपन करूँगा। ये कमांड दोस प्रोग्राम है। अब यस, तो हाँ 500 GB की मेरी हार्ड डिस्क है, तो मैं अभी डाटा रिकवर करना चाहता हूँ। 4 GB की मेरी पेन ड्राइव है, तो मैं सेकंड को चूज़ करूँगा। तो मैं इस पर जाऊँगा, सेकंड ड्राइव, फिर मैंने इंटर मारा, फिर मैं इंटर मारूँगा, इंटर, फिर अदर, फिर इंटर और फिर इंटर और फिर इंटर। अब कह रहे हैं आपने डाटा रिकवर करना है, यस या नो। अब मैं बाय दबाऊंगा, अब डाटा रिकवर होने स्टार्ट हो गया। अभी देखोगे ये डाटा रिकवर हो रहा है, तो अभी ये कुछ ही मिनटों में ये डाटा रिकवर कर देगा। इसमें था 4 GB का डाटा। तो ऐसे ही हम पेन ड्राइव का डाटा रिकवर करते हैं। ऐसे इजी और इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है, ये सबसे फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें कोई आपका पेमेंट नहीं देनी पड़ती, कोई परचेज नहीं करना पड़ता, सिर्फ ही आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये डाटा रिकवर कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस डाटा को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और क्लोज करके मैं अब जाऊँगा माई कंप्यूटर। अब मैंने इसको फॉर्मेट किया था,
ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर मैंने इसको फॉर्मेट किया था। अब ये देखोगे डाटा आपका रिकवरी और एक रिकअप अंडरस्कोर डायरेक्टरी वन, ये इसके अंदर ऑटोमेटिक ही सारा इसके अंदर आता जाएगा जो भी हमने फॉर्मेट किया है। तो यहीं से हम इसको ढूंढ सकते हैं, ऐसे हमारा डाटा रिकवर होता है। थैंक्स।